आईपीएल 2022 से पूरी तरह से बाहर होते ही सुरेश रैना ने सीएसके टीम और धोनी पर दिया है बड़ा बयान, लगाए हैं एक गंभीर आरोप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सुरेश रैना ने आईपीएल 2022 के बाहर होते रही सीएसके टीम और धोनी पर क्या दिया है बड़ा बयान। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप सुरेश रैना को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं और चाहते हैं कि सीएसके टीम में जल्द से जल्द वापसी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए चलते हैं खबर की तरफ और देखते हैं सुरेश रैना का सीएसके टीम और धोनी पर बड़ा बयान। दोस्तों आईपीएल 2022 में जारी मेगा नीलामी में सुरेश रैना को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले सुरेश रैना अब किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है, उन पर किसी भी टीम ने दांव नहीं लगाया है। चेन्नई सुपर किंग टीम के लिए खेलते हुए सुरेश रैना ने शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन पिछले सीजन के तहत सुरेश रैना का दमदार प्रदर्शन नहीं रहा। यही वजह है कि चेन्नई सुपर किंग टीम ने सुरेश रैना को रिटेन नहीं किया है। सुरेश रैना को मेगा ऑक्शन में उतरना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई खरीदार भी नहीं मिला है। सुरेश रैना को चेन्नई सुपर किंग टीम ने भी तगड़ा झटका दिया है और उन पर दांव नहीं लगाया है। दोस्तों सुरेश रैना के आईपीएल कैरियर की बात की जाए तो वह अब तक का शानदार उनका कैरियर रहा है। रैना ने अब तक 205 मैचों में 32.51 की औसत के साथ 136.76 के स्ट्राइक रन रेट के साथ 528 रन बनाए हैं। रैना के नाम 39 अर्धशतक तथा 1 शतक लगा है। रैना ने अब तक 506 चौके और 203 छक्के आईपीएल में लगाए हैं। दोस्तों वहीं हम आपको बता देंगे सुरेश रैना वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने सीएसके टीम के लिए कई मैच जिताओ प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब उनका आईपीएल कैरियर लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया है। दोस्तों अगर सुरेश रैना के बयान की बात करें तो सुरेश रैना ने महेंद्र सिंह धोनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुरेश रैना ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी के दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है। माही भाई का अब दरियाई दिल नहीं है, उनके लिए मेरा प्यार और सम्मान पहले की तरह हमेशा बना रहेगा, लेकिन उन्होंने अब मुझ पर कोई भी दरिया दिली नहीं दिखाई है, न ही मुझे सीएसके टीम में वापसी कराई है। दोस्तों वही सीएसके टीम पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सीएसके टीम ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है, क्योंकि जब मैं अच्छा खिलाड़ी था तब तक सीएसके टीम ने मेरा यूज किया है और कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन न कर पाते ही सीएसके टीम ने मुझे कीड़े की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया है। मुझे न तो धोनी और न ही सीएसके टीम से उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि सीएसके टीम और माही भाई मुझे सीएसके टीम में शामिल करेंगे। तो दोस्तों आज की अपडेट बस इतना ही। क्या आपको लगता है कि सुरेश रैना की सीएसके टीम में वापसी होनी चाहिए या नहीं, आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तथा क्रिकेट जगत की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।